जलपरी, इनके बॉडी का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि आधा शरीर मछली की तरह होता है और जो बाकी का ऊपर का शरीर वो एक इंसान की तरह होता है, जिसे हम जलपरी कहते हैं। जलपरी वास्तव में होती है या नहीं, इस बात का रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन ऐसे कई सबूतों का पता चला है जिससे कि ये साबित होता है कि जलपरी कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। बाय द वे, आपने जलपरियों को फिल्मों, किस्सों, कहानियों में देखा या सुना होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं इनसे जुड़ी कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ों के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है। तरह बिना आसमान में पहुंचे आसमान की ऊंचाइयों को फील नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से हम बिना समुद्र को ठीक तरीके से एक्सप्लोर किए, बिना पता लगाए, बिना उसे समझे, ये दावा नहीं कर सकते कि जलपरी नहीं होती या फिर बाकी और भी चीजें हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि साइंटिस्ट ने अभी तक समुद्र के केवल 5 से 10% हिस्से को ही एनालाइज किया है, उसको अच्छी तरीके से समझ पाया है, बाकी का 90% अभी तक अनसॉल्व मिस्ट्री है जिसे अभी तक समझना बाकी है। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो जलपरी हैं जिन्हें हम झुठला रहे हैं वो 90% वाले हिस्से में आती हूँ। हाँ, ऐसा माना जा सकता है। ये एक वीडियो फुटेज है जिसमें एक सबमरीन समुद्र की गहराई में चल रही है, फिर पीछे से किसी अजीब क्रिएचर का हाथ, किसी अजीब जानवर का हाथ शीशे पर दिखता है, जो कि बिल्कुल किसी जलपरी के जैसा ही लग रहा था। और सोचने वाली बात तो ये है कि उतनी गहराई में कोई जीव आखिर कैसे जा सकता है, आखिर वो था कौन? और पता है, जो लोग पानी वाली जहाज को चलाते हैं उनका ऐसा मानना है कि जब जहाज को समुद्र के बीचों बीच ले जाया जाता है, यानी कि जब वो लोग ट्रेवल करते हैं, वो भी नाइट टाइम, जब चारों तरफ पानी ही पानी होता है, बाकी सब अंधेरा, तो उस समय उन्हें एक अजीब सी चीज फीलिंग आती है, एक अजीब सा एहसास, किसी के होने का एहसास, जैसा कि कोई चिल्ला रहा है, उन्हें बुला रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिएचर समुद्र के अंदर हो। पर ये वही वाली फीलिंग होती है जो कि हमें रात के अंधेरे में होती है। सिंपल सी बात है, जब अंधेरे को हम लोग फील करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा है, भले ही वहां पर हो या फिर ना हो। और ऐसी ही सेम फीलिंग समुद्र में वो जो ट्रेवल करते हैं लोग, उनको होती है, वो भी रात के समय में। ऐसा मान लेते हैं कि जलपरी नहीं होती, पर फिर भी हम इंसान प्रेजेंट में नहीं तो फ्यूचर में ही इंसान और मछली के डीएनए को मिला करके हम लोग जलपरी को बना सकते हैं। तो अब अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि क्या जलपरी एक्चुअल में होती है या फिर बस एक कल्पना है। तो हम कभी कभी ऐसे भी वीडियो बनाया करेंगे, मिस्टीरियस, हॉरर, स्पिरिचुअलिटी एंड बाकी और भी चीज़ें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।